हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ, सब कुछ बता दिया आप लोगों को, आज तक मैंने आपको होममेड ब्लीच नहीं बताया, तो मैं आज आपको इस वीडियो में होममेड ब्लीच बताने वाली हूं, जो कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत असर दिखता है और किसी तरीके से हार्मफुल नहीं है, क्योंकि हम जो खाते हैं उसी का हम बनाएंगे। तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा तामझाम वाला नहीं है। तो आपको उसको देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और वीडियो पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस ब्लीच को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्क्रब रेडी करेंगे, जो कि किसी खास चीज़ से नहीं बनना है, सिर्फ एक ऑरेंज पाउडर लेना है। और अगर आपके पास ऑरेंज पाउडर है तो बहुत अच्छा है। मेरे पास ऑरेंज एंड रोज पाउडर था, वो मैंने एक खाली सी कटोरी ले ली, उसमें एक चम्मच लिया। एक चम्मच ऑरेंज पाउडर लेने के बाद उसमें डालना है दही। दही डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखो, ऑरेंज पाउडर जो है वो एज अ ब्लीच हमारे चेहरे को साफ करेगा, और दही जो है वो जितना भी सनबर्न होगा वो उसको एकदम से क्लीन कर देगा। हमारा फेस एकदम से जो गंदा गंदा सा दिखता है ना, कि कहीं कहीं स्पॉट से दिखते हैं, वो सब सनबर्न वगैरह की वजह से होते हैं। गर्मियाँ इतनी हैं तो होना ही है। अब इसको अच्छे से फेंटने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। इसको मैं स्क्रब करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और अब स्क्रब रेडी हो गया है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है और जिसकी पट्टी वट्टी ढेर सारी बंधी हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड से करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ तो एक्सट्रीमली सॉरी, और आप अपने राइट हैंड से ही करना। तो मैं लेफ्ट हैंड से, आप देखो, बहुत अच्छे से फेस को रब करते हुए, और जितना भी इसमें टैन होगा ना, ये बहुत अच्छे से निकाल देगा। और दही जो है एक ब्राइटनेस का काम करेगी, ऑरेंज जो है विटामिन सी की तरह एक ब्लीच का काम करेगा। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से लगाने के बाद अब पूरा अच्छे से फेस पे इसको स्क्रब की तरह करना है। इसमें कोई पार्टिकल नहीं है जो आपको चुभेंगे, लेकिन इसमें ये दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके ऊपर जितना फेस पे सनटैन होगा वो निकाल देगा, जो भी गंदगी होगी, पिगमेंटेशन होगा। बस ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ। आप अच्छे से थोड़ा सा मसाज करते हुए करना नोज एरिया के पास, जो जहाँ लगता है पिगमेंटेशन है या थोड़े थोड़े से दाने से होते हैं ना, ये उन सबको बिल्कुल क्लीन कर देगा। देखो, मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया। स्क्रब करने के बाद अब मैं पूरा फेस वॉश करती हूँ, वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और अब स्क्रब करने के बाद इसे देखो, फेस कितना क्लीन क्लीन लग रहा है। यार, होममेड चीज़ें होममेड ही होती हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप, जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है इस ब्लीच को बनाने के लिए, जो मैजिक ब्लीच है इसको बनाने के लिए, सबसे पहले हमें एक खाली कटोरी लेनी है। खाली कटोरी में हमें लेना है टमाटर का जूस। टमाटर का रस आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। टमाटर का जूस लिया है, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 बूंद हमें डालना है उसका, नींबू का। और उसके बाद उसमें डालना है जो ऑरेंज पाउडर है। अगर आपके पास ऑरेंज पाउडर होम मेड है तो आप उसको डाल सकते हो। मैं वही जो स्क्रब में यूज़ की थी, ऑरेंज पाउडर और रोज़ पाउडर, मैं वही डाल रही हूँ। देन उसके बाद हमें डालना है इसमें कर्ड, दही। अब इनको अच्छे से इसको फेंट लेना है, ताकि इसमें दही डालोगे ना, तो जब इसमें अच्छे से फेंटोगे तो कोई लम्स ना रह जाए, क्योंकि एक ब्लीच की तरह इसको हमें यूज़ करना है, तो कोई लम्स वम्स ना रह जाए, बहुत अच्छे से हो जाए। और आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से इस ब्लीच को रेडी कर लिया है, और अभी लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है, जो कि बोल रहा है फटाफट मुझे लगा लो। और अब ये मैं थोड़ा थोड़ा सा करके अपने फेस पे लगा लूँगी, उसके बाद फिर अच्छे से हाथ से इसको फैला लेना है, ताकि जो आप 10 मिनट के लिए इसको छोड़ोगे, 5 मिनट से ज़्यादा वैसे मैंने नहीं छोड़ा था इसको, 5 मिनट के लिए अगर आप छोड़ दोगे ना, फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जस्ट वही प्रॉब्लम मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जो कि मैंने स्क्रब करके इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो कर लिया है, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। तो अब मैंने फेस पे बहुत अच्छे से, हाथों से आप चाहो तो ब्रश से लगा लो, वैसे मैं पैक वगैरह हाथों से लगाती हूँ, इसलिए मैंने पूरा फेस पे इसको बहुत अच्छे से स्मूथली लगा लिया। और इसमें टमाटर है, टमाटर का जो जूस होता है, टोमेटो जूस, वो भी बहुत अच्छा ब्लीच होता है। ये जो आपके फेस पे दाग धब्बे पिगमेंटेशन वगैरह होते हैं, ये उनको एकदम से ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। और इसके साथ 1-2 बूंद जो नींबू का रस पड़ा हुआ है वो पूरा पूरा ब्लीच होता है। एंड थर्ड चीज, इसमें जो दही है वो हमारे फेस को ब्राइट बनाता है, अच्छा बनाता है, सारे दाग धब्बों को बिल्कुल लाइट कर देता है। तो अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके फेस पे ये कुछ दाग धब्बे ऐसा कुछ आ जाएगा, जलन वलन होगी, क्योंकि होममेड है। मेरा फेस बिल्कुल देखो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको वॉश करूंगी। वॉश करते टाइम बस इतना ध्यान देना कि थोड़ा सा रब करते हुए निकालना, तो जो डेड सेल टाइप की होती है ना, वो पूरा ही स्किन से एकदम अच्छे से निकल जाएगा। तो आप देखो, मैं बहुत अच्छे से धीरे धीरे बहुत अच्छे से रब करते हुए निकाल दे रही हूँ। और अब जब मैंने लगा लिया, तो लगाने के बाद आप देख सकते हो एक अलग टाइप का ग्लो है। सिर्फ मैंने एक नॉर्मल टैप वाटर से अपना फेस क्लीन किया है, और क्लीन करने के बाद ही आप मेरे फेस पे एक अलग सी शाइनिंग देख सकते हो, अलग सा ग्लो देख सकते हो। तो ये मैंने लगा दिया, मेरी तरफ से इसको बिग 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 थम, और ज़रूर यूज़ किया करो। वीक में 2 डेज हो सके तो ज़रूर यूज़ करो, नहीं तो 1 डे तो बिल्कुल, क्योंकि एक दिन तो मैं यूज़ करती ही करती हूँ, और मेरे फेस के दाग धब्बे थोड़े से लाइट दिख भी रहे होंगे आप लोगों को।
तो कैसा लगा मेरा ये होममेड ब्लीच का प्रोसेस? आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद तो आया होगा, क्योंकि देखो मैंने आज तक हर चीज आप लोगों को बताई थी, होममेड क्लीन अप, होममेड फेशियल, बट मैंने आपको कभी भी ये नहीं बताया था कि नेचुरल ब्लीच घर पे कैसे बनाते हैं, तो मैंने वो बनाया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।